الشيطان العين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوام فضله وامتنانه لم يولد سبحانه فيكون في العز مشاركا ولم يلد فيكون مورثا هالكا ولم يتقدمه وقت ولا زمان ولم يتعاوره زيادة ولا نقصان جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وَهَمَّ هَمُّ بِمَا لَمْ يَنَالُوا إِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير یہ سورہ توبہ کی آیتیں ہیں سورہ توبہ قرآن مجید کا نواں سورہ ہے سورہ توبہ سورہ برات اور جیسا کہ ماہ مبارک کے رمضان کی تفسیر کی تقریروں میں میں نے عرض کیا ہے کہ اس سورہ کے 21 نام ہیں یا کچھ زیادہ اس میں یہ آیت ہے اس آیت کا میں ترجمہ کر رہا ہوں اور آپ ترجمے کو غور سے سنیں یحلفون باللہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ما قالو ہم نے نہیں کہا یحلفون باللہ ما قالو اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ نہیں کہا ولقد قالو کلمۃ الکفر و تحقیق یہ ہے کہ انہوں نے کفر کا کلمہ کہا وَلَقَدْ قَالُوا
कलिमतल को वो कफरू बादा इस्लाम हिम, और इस्लाम के बाद काफिर हो गए। वो हम्मू बेमालम यनालू, और उस काम का इरादा किया जिस काम पर ये फायज न हो सके, जिस काम को ये पूरा न कर सके। और वो इसलिए शायद कि वमा नकमू इल्ला नगनाहुमुल्लाहु व रसूलहु मिन फज़लिही, और ये सब कुछ गालिबन इसलिए हुआ कि अल्लाह ने और उसके रसूल ने अपनी इन आयतों से इनके फकर व फाके को दूर किया था, इनकी फकीरी को दूर किया था, इनकी गदाई को दूर किया था, इनकी मिस्कीनी को दूर किया था, और दौलतें अता की थी। गालिबन ये उसका बदला लिया जा रहा था। इन यतूबू यको खैरन लहुम, मगर ये तौबा करें तो इनके लिए बेहतर है, और अगर नहीं ये मुंह मोड़े तो दर्दनाक अजाब में दुनिया और आखिरत में इनको अल्लाह मुब्तला कर देगा, और इनका जमीन में कोई हामी और नासिर न रहेगा। ये सूरह तौबा की आयत का तर्जुमा। बाजार में कुरान मजीद की खिदमत हिंदुस्तान की हद तक, हिंदुस्तान की हद तक, बाहर के मकामात को तो मैं क्या बतलाऊं आपको, किस किस तरह से कुरान लिखा जा रहा है, मिस्र में क्या इशाक का इंतजाम है, ईरान ने क्या इंतजाम किया है। बहरहाल अजीब तरह से एक बेचैनी आलम इस्लाम में है कुरान की तबाहत में, बेहतर से बेहतर कुरान तबाह हो रहा है। ताज कंपनी ने जो कुरान छापे हैं तफसीर के साथ, उसमें अब्दुल कादिर शाह अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह का तर्जमा बड़ा अहम है, बड़ा कदीम तर्जमा है, उर्दू भी कदीम है। तो उन्होंने इस आयत पर एक हाशिया लिखा है, और उस हाशिए में यह लिखा है कि मदीने में आखिरी लड़ाइयों के दौरान में रसूल वापस हो रहे थे एक जंग से, कि रात में आधी रात गुजर जाने के बाद लोगों ने यह चाहा कि रसूल के नाके को भड़काएं और रसूल को गिरा दें, और रसूल को इस तरह से नुकसान पहुंचाएं या कत्ल कर दें। शाह अब्दुल कादिर लिखते हैं कि हुज़ैफ़ा यमानी को रसूल ने बुला के कहा कि इन लोगों का इरादा यह है, और मैं चाहता हूं कि तुम मर्दानावार मुकाबला करो। हुज़ैफ़ा यमानी तलवार खींच के फिल पड़े और उन 12 आदमियों को मार भगा दिया। तो कुरान का यह हाशिया बाजार में आपको ताज कंपनी लिमिटेड में मिलेगा, उसने हाशिए में लिखा है हुज़ैफ़ा यमानी को वो 12 नाम मालूम थे, मगर हुज़ैफ़ा ने कभी ऐलान नहीं किया कि वो 12 कौन थे। ये इसलिए कहता हूं कि वो 12 यहूदी नहीं थे, मजूसी नहीं थे, नसरानी नहीं थे, बल्कि कुरान की रविश गुफ्तार ये बतला रही है कि 12 वो थे कि जिन्होंने माल गनीमत से हिस्सा लिया था, अमीर हो गए थे, दौलतमंद हो गए थे। वो हम्मू बेमालम यनालू, और इतने बड़े काम का इरादा किया था कि जिसको वो कर न सके। वो मां नकमू, और ये बदला नहीं लिया। नकमू आप समझे नून काफ मीम, नकमू इंतकाम, यानी रसूल से ये इंतकाम नहीं लिया। वो मां नकमू इल्ला नगनाहुमुल्लाहु व रसूलहु, मगर इसीलिए कि अल्लाह और उसके रसूल ने उनको दौलतमंद बनाया था, ये उसकी सजा मिल रही थी।
کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے ان کی مالی پریشانیوں کو دور کیا تھا تو اب طے یہ کر رہے تھے کہ رسول ہی کو ختم کر دیں. تو میں میرے طریقہ فکر سے آپ واقف ہیں, یعنی واقعہ کربلا پہ غور کرنے والے بعد میں جا کے سن 60-61 ہجری میں غور کرتے ہیں کہ حسین ابن علی کو کلمہ گویوں نے قتل کر دیا, تو رسول اللہ کے زمانے میں کیا کمی تھی. وقت یہ ہے کہ اللہ حفاظت کرنا چاہتا تھا رسول کی شہادت سے تاکہ تبلیغ مکمل ہو جائے. اب ایک تھوڑی سی اس آیت پر گفتگو, پھر اس کو سنیے, یہ آیت بڑی اہم ہے اور میں چاہوں گا کہ قرآن کی تلاوت کرنے والے جب کبھی کسی تقریر میں جائیں, میری نہیں کسی تقریر میں جائیں, اور قرآن کی آیت کو سنیں تو گھر میں جا کے اس کے سیاق و سباق کو دیکھیں, اس کا کانٹیکسٹ دیکھیں, اس کا پچھلی آیتوں سے تعلق دیکھیں, بعد کی آیتوں سے تعلق دیکھیں. ہمارے پاس اتنا وقت تو نہیں رہتا ممبر کے اوپر کہ ہم آپ کو پورے کا پورا سورہ سنا دیں, حالانکہ میں نے یہ کیا ہے اس رمضان میں کہ پورا سورہ توبہ پڑھ کے آپ کو سنایا ہے, مگر یہ کہ اس وقت کی حد تک پھر ایک مرتبہ اس آیت سے آپ ہوں, اور بڑی اہم آیت ہے. یحلفون باللہ, اللہ کی قسم کھا رہے ہیں, لات کی نہیں, منات کی نہیں, حبل کی نہیں, انسا کی نہیں, اللہ کی قسم کھا رہے ہیں کہ ما قالو, ہم نے کچھ نہیں کیا, ہم نے کچھ نہیں کہا. وہ قسم کھاتے ہیں اللہ کی, اور اللہ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ قَالُوا, اور ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کفر کا کلمہ. یعنی کوئی شخص اگر اللہ کی قسم کھائے تو اس کے معنی یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح طور پر اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہے, جبکہ خدا خود انکار کر دے کہ یہ جھوٹے ہیں. يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا, قسم کھاتے ہیں خدا کی کہ ہم نے نہیں کہا, وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ, اور ہاں ہاں انہوں نے کفر کا کلمہ کہا. کہا انجام کیا ہوا؟ کفر کا کلمہ کا, قسم کھائی جھوٹی, کفر کا کلمہ کہا. وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ, اور اسلام کے بعد کافر ہو گئے. اسلام کے بعد کافر ہو گئے, وہ کفرو بعد اسلامہم, اور اسلام کے بعد کافر ہو گئے. وہ ہم بما لم ینالو, اور اس کام کا ارادہ کیا جس کو وہ نہ کر پائے, جس کو وہ نہ کر سکے. ہم ہے میم ارادہ, طے کرنا, عزم بالجزم, ہم ان سبوں نے مل کے ارادہ کیا کہ اب ہم یہ کریں گے, وہ نہ کر سکے. وہ مان کم لگنا ہم اللہ ہو وہ رسول ہو, اور یہ انتقام انہوں نے نہیں لیا مگر اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول نے دولت مند بنایا تھا. اغناہم اللہ و رسولہ, اس آیت کی تفسیر میں میں ابھی ابھی آج ہی اپنے ایک طویل سفر سے واپس آ رہا ہوں, ایک عجیب و غریب کتاب تہران میں لکھی گئی ہے کہ رسول نے کس کس کو کتنا دولت مند بنایا تھا. پورے مجلدات ہیں کہ پہلے کیا حال تھا, بعد میں کیا حال ہوا, پہلے کیا بیچتے تھے, بعد میں کتنی بڑی زمینداری ہوئی,
पहले क्या पेशा था, बाद में तमाम जंगों के माल गनीमत के मिलने के बाद कितनी दौलत आई, इस पर तफसीली बहस हो रही है आजकल। और फिर तमाम तारीख के हवाले से किसने मरते वक्त कितनी दौलत छोड़ी, किसने मरते वक्त कितनी दौलत छोड़ी। तो अगर ये फिक्र मुकम्मल हो गई और अगर जाहिर है जैसा कि मैं तो देख छपी हुई किताब देख के आ रहा हूं, अगर ये किताब के अफकार आम हो गए तो इस्लाम में इक्तसादियात के उन्वान पर जरा नजर थानी करने की जरूरत पड़ेगी। ये जो सोशलिज्म का मसला है ना, उस पर गौर करना पड़ेगा कि ये कैसा आके निप सकेगा इस्लाम में, क्या होगा, किसने कितनी दौलत छोड़ी। वह मा नकमु इल्ला नगनाहुमुल्लाहु व रसूलहु, और इन्होंने बदला नहीं लिया मगर फकत इसलिए कि अल्लाह ने और उसके रसूल ने इनको दौलतमंद बना दिया था। कौम अरब जिसकी तारीख ये थी कि कोई जानवर मर जाए तो उसको किसी मकाम पे फेंक देते और आहिस्ता आहिस्ता उसका सड़ा हुआ गोश्त काट काट कर महीनों खाते, जिसको पैगंबर ने बाद में चल के मना किया और कहा गोश्त कदीद काब दाल, ये दाल गोश्त कदीद न खाना, मौत वाकई हो जाएगी। दूसरे ये कि पानी की किल्लत थी तो उसी पानी में ऊंट भी और दूसरे चौपाए भी पानी पीते थे, उसी में बकरियों की मेंगनियां भी थी, ऊंट की गिलादत भी थी और वो माए कदर पीते थे, गलीज पानी। पानी खाना रहने का तरीका यह था कि किसी ने कभी भी कोई घर ऐसा नहीं बनाया था कि जिसके मुतालिक ये कहा जा सके कि ये पुख्ता मकान है। कबाइल की जिंदगी थी, आज यहां कल वहां। मगर हिजरत के बाद एक एक के पास एक एक मकान था। फकत एक नाम लूं, हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक लिखा है कि इन्होंने कसरे अकीक बनाया था, कसरे अकीक बनाया था, कई हजार नाके, कई हजार गोसपंद, कई हजार चौपाए, कई हजार गुलाम इनके मिल्कियत में थे और इनकी मिल्कियत उस जमाने में इतनी ज्यादा थी कि लोग मिसाल देते थे कि अल्लाह और उसके रसूल ने कितना गनी कर दिया है, कितना मुस्तगनी कर दिया है। तो बहरहाल ये था वाकया ऐसा कि कुछ लोग जरूरत से ज्यादा, अपनी सतह से ज्यादा दौलतमंद हो चुके थे और ऐसे में हालात ने करवट ली और ये सोच कर के अब जो हमारे पास दौलत है, रुपया है, इख्तदार है, कहीं ये खत्मी मर्तबत के किसी ऐसे इशारे से कि मेरे बाद कोई ऐसा आदमी काम पर आए कि जो इनका हिसाब तलब करे, कहीं ऐसा ना हो, यह तय किया कि इन्हीं को अब खत्म कर दें। चुनाचे उसी के मुतालिक तमाम मुफस्सिरीन ने लिखा कि पैगंबर के कत्ल की साजिश और उस साजिश के सिलसिले की यह आयत। हुआ यह कि उसके बाद मोहलत मिली,
मोहलत मिली और खुलफाए इस्लाम ने बाद में साफ तौर पर कह दिया, साफ तौर पर कह दिया कि शाम का अमीर तो शाम में किसरवियत की बिना डाल रहा है, कैसर और किसरा की तरह से काम कर रहा है। तारीख इस्लाम गवाह है और आप भी जरा गौर से उसको पढ़ें कि जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु गए शाम तो उनके लिए रेड कारपेट का इंतजाम किया गया था, कालीन का इंतजाम किया गया था और तमाम सनादीद शाम के जमा किए गए थे, सबकी गर्दनें झुकी हुई थी। तो बिगड़ के उन्होंने कहा कि ए अमीर शाम, ये तो किसराइयत है। तो उसने जो जवाब दिया वो ये था कि हम यूरोपियन नेशंस के मुकाबले में खड़े हुए हैं, आप हैं मदीने में, मैं हूं शाम में, मुझे जिन लोगों से ताल्लुक पड़ता है वहां खुद इसी किस्म की हुकूमतें हैं, तो उनको मैं मरऊब नहीं कर सकता जब तक कि इतनी दौलत जमा न हो, इतना सरमाया जमा न हो, और मैं ये बावर न करूं कि हम भी उसी अंदाज में काम कर रहे हैं जिस अंदाज में कि तुम काम कर रहे हो। जवाब नागवार गुजरा, बाद में आके कहा कि खबरदार कहीं ऐसा न हो कि हुकूमत इसके हाथ में चले जाए। चुनाते हज़रत उस्मान के रहलत के बाद लोगों ने आके अमीर मोमिनीन से कहा से कि अब आप आइए, अब आप आइए। तो अली जान रहे थे कि उनके आने में क्या दिलों को जहमतें होंगी, इसलिए कि खुद उनकी जिंदगी जो कुछ भी थी। तो आपने शास्त्र में दऊनी फलतमेसू गैरी, अब तो मुझे छोड़ो और किसी और से इल्तिमास करो कि वो ये काम संभाले। फइन्ना मुस्तकबिलूना अमरन लहू वुजूहुन वालवान, इसलिए कि मैं बात चीजों को देख रहा हूं कि उसके बहुत से रंग हैं, बहुत से चेहरे हैं। जहां दिल ठहर नहीं सकेंगे, जहां अकलें कबूल नहीं कर सकेंगी, मैं उन चीजों को देख रहा हूं। तो कहा नहीं आजी, आपको आना चाहिए। आपने कहा वालम लव अजिब, तो अगर मैंने कबूल कर लिया लकित तो बेकुम बेमा आलम, और अगर मैंने कबूल किया इस काम को तो मैं तुम्हारी गर्दनों पर सवार हो जाऊंगा, इस वास्ते कि मुझे बहुत सी चीजों का इल्म है, मैं बहुत सी चीजों को जान रहा हूं। बचपन से रसूल के सीने पे सोते सोते, रसूल के साथ रहते रहते ये दुनिया देखी थी अली ने, इसलिए कहा खबरदार मुझे छोड़ दो, और वरना अगर मैं कबूल कर लूं तो मैं बहुत सी चीजों को जानता हूं, उस इल्म की बिना पे काम करूंगा। और एक बात याद रखना कि उस वक्त मुझे किसी मलामत करने वाले की मलामत डरा न सकेगी, और मैं जो चाहूंगा कहूं। बस खुतबा दिया, लोगों ने हंगामा किया, घेर लिया, कहा सिवा आपके कोई नहीं है, बयात हुई, ऐसा इजमा फिर किसी पर हुआ ही नहीं। और कहा कि हुजूर अब आपके सिवा कोई, शाम में आए कहा कि लाओ बैतुल माल का हिसाब। अब जो हिसाब शुरू किया तो कुछ अहबाब मिलने के लिए आ गए, मिलने के लिए आ गए। जाहिर है कि अब आना जाना ज्यादा उस वक्त हो जाता है साहिब इख्तदार के पास जब ये मालूम हो कि मिस्र की हुकूमत मिलेगी, शाम की हुकूमत मिलेगी, रह की हुकूमत मिलेगी, मदीने की हुकूमत मिलेगी, मुख्तलिफ गवर्नरियां खाली होंगी, अब मुख्तलिफ मकामात के काम मिलेंगे। आके नजदीक बैठ गए। आपने कहा तुम अपने काम के लिए आए हो या कोई अल्लाह रसूल के सिलसिले में कुछ कहने के लिए आए हो? कहा नहीं, अपना काम है। कहा चराग बुझा दो, ये चराग बुझा दो, इसलिए कि इसमें जो तेल जल रहा है ये बैतुल माल का है, मुसलमानों का फर्ज है। अपने का चिराग बुझा दो,
नहीं चाहता कि तुम्हारी हमारी निजी बातें हों और तेल बैतुल माल का जले। एक इशारा था, चराग बुझा और वो उड़ गए। तो तारीख में दो मर्तबा ऐसा हुआ है कि चराग बुझा है और लोग उड़ गए। फकत करबला ही नहीं, चराग बुझा उठ। आपने शाह चराग रोशन कर दो, हिसाब शुरू किया और उस पर जो खुतबा दिया है वो खुतबा मौजूद है, अंग्रेजी में तर्जमा है, अरबी में, फारसी में, दुनिया की सारी जबानों में तर्जमा है। ताकि जिस किसी ने गलत तरीके से माल को जमा किया है, अली की जिम्मेदारी यह है कि उसको वापस कर। अगर किसी ने कनीज खरीदी है वो कनीज आजाद की जाएगी और रुपया नहीं दिया जाएगा। तो सूरत हाल इतनी खराब हो चुकी थी उस दौर की कि तारीख का एक अजीब वाकया है कि लोग ये करते थे कि पांच पांच सौ, सात सात सौ गुलामों को खरीद लेते। याद रखने की चीजें हैं, पांच पांच सौ, सात सात सौ गुलामों को खरीद लेते और उनको कहते थे तुम जाके नौकरी करो मुख्तलिफ मकाम। अब वो मेहनत करते दूसरी जगह और शाम को आके अपनी मेहनत में से तीन बटे चार हिस्सा अपने उस मालिक को देते कि जिसने इनको खरीदा था। तो ये बर्दफरोशी के सिलसिले में और गुलामों को खरीदने के सिलसिले में जो अहकाम रसूल के थे उसको तो पसे पुल डाल दिया था, इसको आमदनी का जरिया बना लिया था। वो सिलसिला आज भी है, यानी आज भी है। अखबारात में आप पढ़ते होंगे इतने फकीर उसके हाँ पास हैं, इतने लड़कों को वो रोक रखा है, वो सुबह से शाम तक मांग के ला के देते हैं, जमा करते हैं। तो उस वक्त गुलामों से ये काम लिया जाता था। ये चीजें अली से नहीं देखी गई, नहीं देखी गई और का क्या नहीं है ये नहीं। अब रह गया ये कि रसूल से बदला लेने की कोशिश की, मुझसे भी बदला लिया जाएगा, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं, मैं हाजिर। मगर तारीख इस्लाम जब तक बाकी है कोई कयामत तक यह नहीं कह सकेगा कि किसी लड़ाई में किसी पहलवान ने अली को मार डाला। तारीख इस्लाम जब तक बाकी है किसी को यह कहने का मौका नहीं मिलेगा कि जमल में मार डाला, सिफीन में मार डाला, नहनवार नहरवान में मार डाला, इतने हजार आदमी जमा हो गए थे, अली पे हमला किया, अली मर गए, अली को कत्ल कर दिया, नहीं इसका मौका नहीं मिलेगा। यानी एक बात यह जहन में रहे कि फौजों की शिद्दत अली को मरऊब न कर सकी, उस रहे हक की मोहब्बत की वजह से कि जहां सिफीन में लैलतुल हरीर की लड़ाई में आपने अपनी जिरह भी उतार के फेंक दी तो मालिक असर ने कहा ये क्या गजब कर रहे हैं, यहां फर्तन से तलवारें चल रही हैं। तो आपने शायद सुना ला उबाली, आज अली को फिक्र नहीं है, मैं अली, मैं मौत से वाकई हो जाऊं या मौत मुझसे वाकई हो जाए, मौत मुझसे वाकई हो जाए या मौत मैं मौत से वाकई हो जाऊं, आज मुझे फिक्र नहीं है। मगर मैं बतलाना चाहता हूं कि मुझे जिस रास्ते पर चलना है उसमें कोई मलामत करने वाला मुझे मलामत नहीं कर सकता। जिंदगी खत्म, मेहरवान की लड़ाई खत्म हुई। और अजीब बात है, कितना दिल चाहता है किन किन मसाइल पर गुफ्तगू करें आपसे। यानी जब यह लड़ाई शुरू हुई थी तो तकरीबन 10,000 आदमी थे, कुछ ज्यादा ही आदमी थे जो मुकाबिल से लड़ने के लिए आए थे। लड़ाई किस बात पे हुई थी, नहरवान की लड़ाई किस बात पे हुई थी, इस बात पे हुई थी कि आपने अमीर शाम से सालिसी क्यों मुकर्रर की, आपने अबू मूसा अशरी को सालिस क्यों बनाया। यानी सब
इन्हीं के मानने वाले बदल गए और ये खारिजी ठहराए गए, आज तक खारिजी हैं। तो उस वक्त आपने फरमाया तुम लड़ तो रहे हो मगर एक बात याद रखो, ये फौज की कसरत पे नाज न करो। इब्ने अबिल हदीद ने लिखा इसको शरह नहजुल बलागा में, इब्ने अबिल हदीद ने लिखा कि देखो ये पूरी फौज है, इसमें से फकत 9 आदमी बचेंगे, फकत 9 आदमी बचेंगे और मेरी तरफ से 9 आदमी मारे जाएंगे। हुज़ैफ़े यमानी को तो रसूल ने बतलाया था कि ये 12 आदमी साजिश कर रहे हैं, नाम याद थे, मगर यहां जंग से पहले नाम मालूम थे कि कौन मारा जाएगा कौन बचेगा। लोगों ने कहा आप तो गैब की बातें कर रहे हैं, इरशाद फरमाया गैब नहीं है, ये अल्लाह के रसूल का दिया हुआ इल्म है, अल्लाह के रसूल का दिया हुआ इल्म है, ये भी जानता हूं कि कौन कहां जाएगा ये 9 आदमियों में से, मुझे मालूम है 9 आदमी बचेंगे। इब्ने अबिल हदीद कहते हैं खुदा की कसम मैं अली की किसी फजीलत का कायल नहीं हुआ, इब्ने अबिल हदीद कहते हैं खुदा की कसम मैं अली की किसी फजीलत का कायल नहीं हुआ, मगर जिस चीज ने अली की मुझे मरऊब कर दिया, मरऊब कर दिया, वो ये जुमला था अली का नहरवान में कि जहां आपने जंग के पहले कहा कि 9 आदमी बचेंगे और उसके बाद उन्होंने उठा के एक उन्वान कायम किया वह इल्मुहु बिलगैब, और अली का इल्म आने वाले उमूर के मुताल्लिक, जाहिर है हम तो इसके कायल नहीं हैं क्योंकि हम उस इल्म को इल्म बिलवास्ता कहते हैं, यानी या खुदा दे या रसूल दे, खुदा दे या रसूल दे। खुदा के वो बार बार कह चुका हूं मुहर्रम की तकरीरों में, भूलना नहीं चाहिए, और जाहिर है परसों से जब मजलिसों का यहां सिलसिला शुरू होगा तो मुझे तो मुख्तलिफ मसाइल पे गुफ्तगू करनी है, अस्करियान के उनवान पे गुफ्तगू है, तो उस वक्त आपको बतलाऊंगा कि जात वाजिब की तजल्लियों के मुकाबिल में कल्ब मोहम्मद आईना है। अब जो शुआ पड़ी वो गैब ही गैब है, और उस आईने के मुकाबिल में जितने आईने आएंगे अगर उसमें जंग न हो, कुदूरत न हो, जंगार न हो, उसमें अगर जिला हो, तो यकीनन हर आईने में वही कैफियत पैदा होगी कि अंता मिन्नी व अना मिन, तू मुझसे है मैं तुझसे हूं। मैंने तकरीर जाहिर है कुछ हद तक आगे बढ़ा दी, मैं खुद अपने आप को इस काबिल नहीं पाता हूं आज, मगर जाहिर है कि इस तकरीर को मैं बुनियाद बना रहा हूं अपने अफकार की, जो परसों से यहां सिलसिला शुरू हो रहा है वो सिलसिला बड़ा अहम है, बड़ा अहम है, इस वास्ते कि आप हजरात को भी नहीं मालूम है कि सन 200 हिजरी के बाद से 260 हिजरी तक इस्लाम में कंट्रीब्यूशन क्या हुआ, इस्लाम को कितनी चीजें मिली, क्या क्या दिया गया, किन उलूम में इजाफा हुआ, मैं उसको एक तारीखी मौजू समझता हूं, उसमें गुफ्तगू होगी। तो और जिन्होंने इजाफा किया वो गैर नहीं थे, वो गैर नहीं थे, वो अनफुसना के सिलसिले में थे, अनफुसना के सिलसिले में थे, तो जहां नफ्स रसूल की हैसियत से मुबाहले में अली आए, तो कल्ब अली को खबर है कि जंग हश्र क्या होगा। मैं वापस चले जाता हूं अपने उसी गुफ्तगू पर कि अल्लाह का शुक्र यह है कि इस्लाम की तारीख यह न कह सकी, जंग में मारे गए, जमल में मारे गए, सिफीन में मारे गए, नहरवान में मारे गए, कुछ और
वो मशहूर जुमला अली का जिसको आप हजारों मरतबा सुन चुके होंगे कि मालिक अश्तर ने शिकायत की कि आजकल ये लड़ाइयों का जमाना है, आपकी उम्र ज्यादा हो चली है। अली का सिंह 63 बरस का हो चुका था सिफीन में, नहरवान में, तो इस उम्र में दुनिया कह रही है कि आपकी गिजा बाकी नहीं रही। तो आपने कहा कि मुझे मालूम है कि यकुलून यकुलून ये लोग कह रहे हैं लो अन्न हाजा कूत अब्न अबी तालिब फकत काद अनिल किताल, अगर अबू तालिब के बेटे की गिजा यही रह गई तो अब जंग नहीं कर सकेगा। वल्लाही लौ तज़ाहरतिल अरब अला क़िताली लमा वल्लैतु अन्हा, खुदा की कसम अगर ये पूरा अरब मुझ अकेले से लड़ने के लिए आए तो मैं मुंह नहीं मोड़ूंगा। आपने देखा ये जुमले को आप बार बार सुन चुके हैं, मगर आज इसकी खुसूसियत भी आपको बतला दूं। ये अर्ज करने के खत्मी मर्तबत से बढ़ के कोई शुजा नहीं गुजरा। अली से जब पूछा गया कि आपने अपने से बेहतर किसको शुजा पाया, तो आपने कहा मैंने अगर दुनिया में किसी को शुजा पाया है तो वो मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला है। नारे शुजात और पैगंबर की शुजात, तलवार नहीं चलाई, किसी को तमाचा नहीं मारा जिंदगी भर, मगर बड़े शुजात थे पैगंबर, बड़े शुजात। और उनके खिलाफ साजिश हुई, साजिश हुई, गैब से पता चला कि साजिश है। देखिए ये अब लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं ये लफ्ज ताकि मेरा सिलसिले कलाम दुरुस्त हो, गैब से पता चला के साजिश हुई, अल्लाह ने बतला दिया वही आ गई। आपने हुज़ैफ़ा से कहा कि ये इतने आदमी हैं जो इस वक्त मेरे ऊंट को भड़काएंगे और मुझे गिराना चाहते हैं, मारो इनको। हुज़ैफ़ा ने हमला कर दिया, हुज़ैफ़ा यमानी ने हमला कर दिया। लोगों ने बहुत पूछा बाद में हुज़ैफ़ा से, नाम बतला दो। हुज़ैफ़ा ने कहा कि मुझे हुक्म नहीं है। वो क्या राज है? वो आज तक राज है, वो आज तक राज है कि वो साजिश में क्या था क्या नहीं था, मगर ये कि पहले से इत्तला दी गई बिल्कुल इसी तरह। जब मामून रशीद ने इमाम अली इब्ने मूसा रज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यमन रसूलुल्लाह, जब आप ये कहते हैं कि आपके जद को हर चीज का इल्म था, तो फिर 19वीं रमजान को मस्जिद में गए क्यों? जान रहे थे कि इतने मुलजिम है, तो आपने शायद फरमाया कि हां इल्म था कि इतने मुलजिम है, मगर अल्लाह ने मेरे जद के सामने दो बातें रख दी थी, या लिखाए परवरदिगार या हयात जावेदानी। मेरे जब ने लिखाए परवरदिगार को पसंद किया, हयात जावेदानी को ठुकरा दिया। जिंदा रहते तो वही खिजर बन के रहते, इलियास बन के रहते, शहीद हो गए तो दिलों में उतर गए, शहीद हो गए तो नस्लों पे छा गए, दिमागों पे मोहित हो गए और एक कौम से दूसरी कौम में सरमाया बनकर गए, और आज उनका नाम इज्जत बन गया, उनके नाम में शुजात आ गई, उनके नाम में हिम्मत आ गई, उनके नाम से दिलेरी पैदा हो गई, बस उन्हीं के नाम से जी रहे हैं। ज्यादा गुफ्तगु मंजूर नहीं, और ये अजीब वक्त और अजीब कैफियत है। बहरहाल मैं आपको बताऊं, तारीख ने एक ऐसा इकदाम किया कि उसके मुतालिक भी मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, मगर हमारी हद तक की जिम्मेदारी यह है कि सरकार रिसालत
کی شہادت کے متعلق یہ ہے کہ تمام عظیم علماء اہل سنت والجماعہ نے پہلی ربیع الاول سے لے کے 12 ربیع الاول تک مسلسل تاریخیں مقرر کر دیں اور یہ کہا کہ ان میں سے کوئی ایک تاریخ وفات ہو. اور چونکہ یہ مسئلہ گھر کا تھا تو گھر والے گھر کی باتوں کو بہتر جانتے ہیں, تو امام صادق نے, امام باقر نے, امام زین العابدین نے, امام حسین نے, امیر المومنین نے, سبوں نے یہ کہا کہ ختمی مرتبت کی وفات 28 صفر کو. تو اب آپ جس موقع پر جس مجلس میں تشریف فرما ہے وہ مجلس منسوب ہے اس انسان سے کہ جس نے ساری دنیا پر نعمتوں کی بوچھار کر دی, جس نے ساری دنیا کو عزتوں سے نوازا, جس نے ساری دنیا کو بلندیاں عطا کی, جس نے قرآن جیسی کتاب کو اللہ سے منسوب کر کے اپنے انکسار کا اعلان کیا کہ اس میں ایک لفظ میرا نہیں ہے. یہ بہت عجیب بات کہہ رہا ہوں آپ سے. کوئی دوسرا شخص ایک آدھ اچھی بات کہتا ہے تو کہتا ہے میں نے کہا ہے, نہیں, یہ سب اللہ نے کہا ہے. اور اللہ کو جو ذات گرامی اتنی پسند تھی, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, اتنا عطا کریں گے کہ تُو راضی ہو جائے, اتنا عطا کریں گے کہ تُو راضی ہو جائے. ایسی حالت میں رات کو, آدھی رات کو حذیفہ کو یہ بتلا دینا کہ مجھے قتل کرنے کے لیے 12 آدمی سازش کر رہے ہیں, اس کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ خود اس کی موت کب آ رہی ہے. غدیر کا خطبہ دیا, اپنی موت کا اعلان کیا. آخری حج کیا, اپنی موت کا اعلان کیا. مدینے آئے, اپنی موت کا اعلان کیا. آخری راتیں گزری 26-27 سفر کی, بیمار ہو گئے, چلنا پھرنا مشکل ہو گیا. اور 28 کو سفر کی جب دنیا سے جانے لگے تو بے اختیار باہر آئے اور مسجد میں گئے اور جا کے کہا ایھا الناس انی تارکن فیکم الثقلین, میں تم میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری عترت ہے جو میری سنت کی محافظ ہے. ذرا اس کا خیال رکھیں, اس کا خیال رکھیں. یہ کہہ کے واپس آئے اور اس کے بعد آواز دی کہ ذرا بیٹی کو بلاؤ, بیٹی کو بلاؤ, زہرا آئیں. تو بیٹی کے گلے میں باہیں ڈالا اور کہا زہرا گھبرانا نہیں, باپ دنیا سے جا رہا ہے, مجھے معلوم ہے زہرا کیا ہونے والا ہے, مجھے معلوم ہے کیا ہونے والا ہے زہرا. میں نے ایک ایک کو دولت مند بنایا ہے, مگر زہرا ایک ایک چیز تجھے چھین لی جائے گی. مجھے معلوم ہے بیٹی, صبر کرنا بیٹی, صبر کرنا. تو بے اختیار شہزادی نے رونا شروع کیا. تو آہستہ سے نزدیک بلا کے کہا زہرا رونے کی کیا بات ہے, تو سب سے پہلے مجھ سے ملے گی, دو تین مہینے میں میں بلا لوں گا تجھ کو. اس کرانے لگی, یہ خیال نہیں آیا کہ چھوٹے بچے ہیں, مسکرانے لگے. اور اس کے بعد ایسے میں کہا کہ میرا نواسا کہاں ہے چھوٹا. کہا کہ اللہ کے رسول وہ آپ کے پاؤں پہ گر کے رو رہا ہے. آواز دی حسین تمہاری جگہ وہ پاؤں نہیں ہے, میرا سینہ ہے, ادھر آؤ, ادھر آؤ, اپنے سینے سے لگا لیا. اور کہا صبرن یا ابا عبداللہ, حسین صبر کرنا. یہ تمام تاریخیں ہیں.
صبرن یا عباد اللہ حسین صبر کرنا کانی دراسے کا اہدیا الہی عظیم. جنگ تبوک سے واپسی کے موقع پر حذیفہ کو یہ کہنے والا کہ 12 آدمی مجھے قتل کرنے والے ہیں وہ یہ نہیں جانتا کہ گھرانے پہ کیا گزرنے والی ہے. کہا حسین صبر کرنا, میں دیکھ رہا ہوں بیٹا کہ تیرے سر کو تو فتن یزید کے پاس لے کے جا رہے ہیں. کانی بے راسے کا اہدیا الہی عظیم صبر یا عباد اللہ صبر. حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. یہ آخری جملے, ایک مرتبہ حسین سینے سے ہٹے اور ایک چھوٹی بیٹی پیغمبر کی نواسی دوڑ کے لپٹ گئی اور لپٹ کے کہا نانا نانا میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے. نانا نانا میں نے خواب دیکھا کہ میں ایک درخت کے نیچے کھڑی ہوئی تھی کہ ایک مرتبہ غضب کی آندھی آئی اور وہ درخت زمین سے اکھڑ گیا. نانا میں نے ایک شاخ کو سنبھالا, وہ شاخ ٹوٹی. نانا میں نے دوسری ڈالی کا سہارا لیا, نانا وہ دور ڈالی بھی ٹوٹ گئی. نانا میں ایک اور ڈالی کو پکڑ کے خاموش کھڑی ہوئی تھی کہ وہ ڈالی بھی ٹوٹ گئی. اس کے بعد نانا میں دیکھ رہی تھی ایک مرتبہ اب میرے لیے کوئی سہارا نہیں رہا اور درخت کی جڑیں زمین سے بالکل اکھڑ گئی ہیں. نانا میں اکیلی ہو گئی, مجھے اس کی تعبیر ارشاد فرمائی. تو کہنے لگے زینب زینب وہ جو درخت کی جڑیں اکھڑ رہی ہیں وہ تو تیرا نانا اب مر رہا. اب جس جالی کو تھامے گی ماں کا سایہ سر سے اٹھ جائے گا, باپ کا سایہ سر سے اٹھ جائے گا, بھائی کا سایہ اٹھ جائے گا, اکیلا حسین رہ جائے گا. تو زینب اس دن صبر کرنا جب حسین رخصت آخر کے لیے آئے. خدا بندہ ہم کو کامل الایمان, ہمارے ہوائے لذیذ دنیاوی برلا, ملت کو متحد کر, مملکت کو مستحکم فرما, تعجیل فرما.